हेलो दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, इसे कर रहे हैं। और पिछली क्लासेस में हमने पीएन संधि डायोड के बारे में चर्चा करी थी। और पीएन संधि डायोड किस प्रकार से होता है, किस प्रकार पीएन संधि बनती है, और साथ ही हमने वहां पर उसके पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, इन बातों को समझा था। और साथ ही वहां हमने पीएन संधि डायोड का जो एक उपयोग है, जिसे हम कहते हैं दिष्टकारी के रूप में उपयोग, वहां हमने उसके उपयोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी को भी समझा था। आज हम पीएन संधि डायोड के ही आगे के उपयोगों को समझेंगे। और इसमें जो पहला हम टॉपिक ले रहे हैं वह हमारा आता है जेनर डायोड। इन टॉपिक्स में हम जो पीएन संधि डायोड की जो मूलभूत उसके गुण हैं, उन्हीं गुणों का अध्ययन करेंगे। तो हमने पीछे चर्चा करी थी कि जब किसी डायोड को उत्क्रम अभिनत किया जाता है, तो उत्क्रम अभिनत डायोड की वोल्टेज को बढ़ाने पर प्रारंभ में धारा बिल्कुल क्षीण रहती है, अर्थात उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड में धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक झटके से ही, तुरंत ही उस पीएन संधि से बहुत सारी धारा प्रवाहित होने लग जाती है। और उसे, उस वोल्टेज को हम नाम देते थे, आपको ध्यान हो, उसे कहते थे भंजक वोल्टता। भंजक वोल्टता का हमने दो कारण आपको बताए थे। एक हमने बताया था एवलांश भंजक और दूसरा हमने बताया था आपको जेनर भंजक। यदि आपने यह सब बातें यदि पीछे की क्लासेस में नहीं पढ़ी है, तो प्लीज आप जाकर के इसे वहां जरूर पढ़िएगा, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो हमने कहा कि वहां पर भंजक वोल्टता जो प्राप्त हो में होती है, उसके दो कारण हमने बताए थे, एक एवलांश भंजक और एक जेनर भंजक। जेनर भंजक में हमने कहा था कि जब किसी पीएन संधि को बनाया जाता है, तो उसमें यह जो डोपिंग की जाती है, जो अपद्रवी पदार्थ या जो मिश्रित किया जाता है पदार्थ शुद्ध अर्धचालकों में, उनको यदि आवश्यकता से अधिक कर दिया जाए, तो जो पीएन संधि में बीच में एक, हम कह सकते हैं कि जो एक बैरियर बनता था, एक विरोधी विभव बनता था, एक अवक्षय परत या डिप्लेक्शन लेयर या डिप्लेशन रीजन जो बनता था, वह रीजन बहुत पतला सा होता है। और उसके पतले होने का क्या लाभ होता है कि जो हम भंजक वोल्टता की बात कर रहे हैं, वह भंजक वोल्टता हमें बहुत कम वोल्टेज पर ही प्राप्त हो जाती है। और भंजक वोल्टता का अर्थ है कि ऐसी वोल्टेज जिसमें उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि में तेजी से धारा का मान बढ़ जाता है, वो हमारी भंजक वोल्टता होती है। तो उसका कारण हमने बता दिया जेनर डायोड में क्या है कि डोपिंग जो की गई, अपमिश्रण जो डाला गया, वो अपमिश्रण की मात्रा क्या करी गई, बहुत अधिक कर दी गई। तो यदि हम किसी जेनर डायोड को, जेनर डायोड का अर्थ है जिसकी हमने जो भंजक वोल्टता है उसको नियंत्रित करा हुआ है, इस जेनर डायोड का हम विभिन्न परिपथों में काफी अच्छे से उपयोग करते हैं। और मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है किसी वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि हमने पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दिष्टकारी जब पढ़ा था, तो हमने देखा था पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट जो डीसी वोल्टेज हमें प्राप्त होती है, वो जरूरी नहीं है कि वह बिल्कुल नियमित ही आए, बिल्कुल कांस्टेंट ही आए, क्योंकि इनपुट वोल्टेज वहां पर क्या होती थी, एसी होती थी। तो एसी का मान जब घटता बढ़ता था, तो उसके अनुरूप डीसी वोल्टेज भी घटती बढ़ती होती है, यानी कि उसके मान में भी घटबढ़ होती है, उसमें भी परिवर्तन होता है। अब हम उसे जिस लोड पर लगा रहे हैं, जहां पर उसे अप्लाई कर रहे हैं, यदि वहां पर इस घटती बढ़ती वोल्टेज को लगाएंगे, तो हो सकता है वह हमारा इंस्ट्रूमेंट जल्दी ही खराब हो जाए। तो वोल्टेज के रेगुलेशन के लिए, उसको नियमित करने के लिए हम इस जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। तो समझते हैं जेनर डायोड के कैसे उपयोग करेंगे। हमने कहा परिपथ में हमने क्या करना है कि यह हमारी एक पुट वोल्टेज है, यह हमारी पुट वोल्टेज है। इस वोल्टेज में हम यहां से जब आते हैं, तो यहां पर हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं। हमने यहां पर क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया, जिस प्रतिरोध को हम कहते हैं R। और इस प्रतिरोध के साथ ही हम क्या लगा देते हैं, यहां पर एक जेनर डायोड लगा देते हैं। और जेनर डायोड जिस लोड, जिस प्रतिरोध
जिस लोड पे हमें यह वोल्टेज को डालना है, जिस आउटपुट पे डालना है, तो उसके समांतर क्रम में हम जेनर डायोड लगा देते हैं। तो जेनर डायोड का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, यहां अलग से बता देते हैं आपको, ये जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह है, ये जेड शेप का, यहां पर ये ऐसे बना दिया जाता है। तो ये क्या है, जेनर डायोड। तो यहां पर हम जेनर डायोड बना रहे हैं, इस तरीके से हमने यहां पर एक जेनर डायोड बना दिया। और आपको ध्यान रखना है, इस जेनर डायोड को परिपथ में उत्क्रम अभिनत रखा जाता है, यानी कि इसको उत्क्रम वाइस उत्क्रम अभिनत रखते हैं, इसे अक्र अभिनत नहीं रखा जाता। तो लिख भी देते हैं, जेनर डायोड को परिपथ में उत्क्रम अभिनत रखा जाता है, रखा जाता है। तो ये हमने जेनर डायोड लगा दिया, और इस जेनर डायोड के हम कहते हैं समांतर क्रम में हम वह लोड लगा देते हैं कि जहां पर हमें यह वोल्टेज अप्लाई करनी है। यह हमने ये RL लगा दिया, हमें जितनी वोल्टेज बाहर प्राप्त करनी है, यह हमारी क्या हो गई, निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज, हमें जितनी निर्गत वोल्टेज बाहर प्राप्त करनी है उसी वोल्टेज का हम क्या करते हैं, जेनर डायोड बनाते हैं। मान लो हमें बाहर की ओर निर्गत वोल्टेज 10 वोल्ट चाहिए, तो हम जेनर डायोड भी क्या करेंगे, 10 वोल्ट का ही बनाएंगे। तो यहां पर हम जो वोल्टेज ले रहे हैं वो मान लेते हैं कि जेनर डायोड की जो वोल्टेज होगी उसे हम वी जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर जो आउटपुट जो वोल्टेज हमारी आएगी वह आउटपुट वोल्टेज भी वी जेड के ही बराबर होगी, निर्गत वोल्टेज वी जेड के बराबर होगी। अब ये किस प्रकार से काम करता है ये समझते हैं। इन दो सिरों के बीच पे हम लगा देते हैं निवेशी वोल्टेज, इन दोनों सिरों के बीच हमने निवेशी वोल्टेज अप्लाई कर दी, और जेनर डायोड हमने किस क्रम में लगा दिया, उत्क्रम अभिनत लगा दिया। अब इसमें से जो निवेशी वोल्टेज है हमने कहा उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी कि वो घट बढ़ रही है, कभी कम कभी ज्यादा हो रही है। तो मान लेते हैं किसी क्षण जिस वोल्टेज का मान ज्यादा हो जाता है, जब वोल्टेज का मान ज्यादा हो जाता है तो यहां से जब वोल्टेज अप्लाई हो रही है तो वोल्टेज दो चीजों में जा रही है, एक तो रेजिस्टेंस में जा रही है, प्रतिरोध में जा रही है, और दूसरी जा रही है जेनर डायोड में। यदि वोल्टेज का मान अपने नियत मान से काफी ज्यादा बढ़ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि मान लो हमने एग्जांपल यहां 10 वोल्ट का लिया था, हमने कहा कि इस जेनर डायोड के इस सिरे पर यहां से जो वोल्टेज आ गई वो ज्यादा आ गई, मान लो 15 आ गई, 16 आ गई, 17 आ गई, यह वोल्टेज यहां से आई, तो इस सिरों पर तो केवल 10 ही वोल्टेज चाहिए, क्योंकि जेनर डायोड की वोल्टेज जो हमने फिक्स करी हुई वो 10 वोल्टेज करी हुई। तो जेनर डायोड 10 वोल्टेज के बाद जो इसके भीतर जो धारा का मान है वो एकदम तेजी से बढ़ा देगा, और धारा का मान तेजी से बढ़ गया, अपने अधिकतम मान तक पहुंच गया, तो अब इसको और अधिक वोल्टेज लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जेनर डायोड का यदि हम यहां पर एक डायग्राम बनाएं, इस प्रकार से एक आपको यदि डायग्राम के थ्रू समझाएं, तो जेनर डायोड इस प्रकार से होता है, ये वोल्टेज चल रही है, और जैसे यहां पर एक हल्का सा ये ऊपर की ओर उठा, ये हमारी भंजक वोल्टता थी या जेनर वोल्टता थी, यहीं से ये धारा का मान एकदम उच्च हो गया, ये हमारी क्या है, धारा I, और ये हमारी क्या है, वोल्टेज V, और यह वाला जो हमारा सिरा है इसे कहते हैं वी जेड, जेनर वोल्टेज। अर्थात वोल्टेज का मान जैसे जेनर वोल्टेज पर पहुंचा धारा का मान अधिकतम हो गया, जब धारा अधिकतम हो गई जेनर वोल्टेज पे ही, तो अब वह और अधिक वोल्टेज नहीं लेने वाला। तो इसके इन दोनों सिरों के बीच पर जो वोल्टेज का मान है वो कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो वी जेड के बराबर होगा। तो शेष जो वोल्टेज होगी, मान लेते हैं यहां से 15 वोल्टेज आई थी, जेनर वोल्टेज हमने जेनर की वोल्टेज जो रखी है वो 10 वोल्ट रखी है, तो वो 5 वोल्टेज कहां जाएगी, वो 5 वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान तो नियत आ रहा है ना, यहां से बहने वाली धारा
अधिक हो गई, धारा अधिक हो गई तो क्या हुआ कि वोल्टेज यहां ड्रॉप होगी, कुछ वोल्टेज यहां पर ड्रॉप होगी। तो वोल्टेज ड्रॉप का अर्थ है विभव का पतन होना। मान लेते हैं 15 वोल्ट आई टोटल, इन दोनों सिरों के बीच की वोल्टता क्या होगी 15 वोल्ट, हमें केवल चाहिए थी 10 वोल्ट, तो क्या होगा इन दोनों सिरों की वोल्टेज ज्यादा होगी तो यहां से धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा कि धारा का मान तो इन दोनों के लिए नियत है, तो इस सिरों इन दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टेज है वो कितनी होगी 10 वोल्ट। तो जो 5 वोल्ट होगी वह यहां और यहां यानी कि प्रतिरोध के सिरों के बीच 5 वोल्ट का विभव पतन हो जाएगा। तो 5 वोल्ट यहां खपत होगी, 10 वोल्ट के लिए हमने बना रखा है तो यहां 10 वोल्ट केवल आगे चली जाएगी। तो क्योंकि यह जो RL है यह इस जेनर डायोड के साथ समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, तो जितनी वोल्टेज इन दो बिंदुओं के बीच की होगी उतनी ही वोल्टेज यहां RL के सिरों की होगी और उतनी ही वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिल जाएगी। तो यह तो तब की स्थिति है यदि बाहर से आने वाली वोल्टेज का मान बढ़ जाए। अब मान लो बाहर से आने वाली वोल्टेज क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है तो फिर से क्या होगा इस परिपथ में यहां से वोल्टेज आएगी, यहां से धारा आएगी, यहां धारा प्रवाहित होगी। तो क्योंकि इस समय बाहर से आने वाली वोल्टेज कम है तो जेनर डायोड के सिरों के बीच वोल्टेज फिर से नियत रहेगी, उतनी की उतनी रहेगी, और आर जो हमारा प्रतिरोध है इसके सिरों पर जो विभव पतन पहले ज्यादा वोल्टेज में ज्यादा हो रहा था अब कम वोल्टेज में यहां पर विभव पतन क्या होगा कम होगा। यानी कि ये जो आर है यह वास्तव में एडजस्ट कर लेता है अपने को, यदि बाहर से ज्यादा वोल्टेज आ रही है तो यह अपने सिरों पर विभव पतन ज्यादा कर लेगा, यदि बाहर से कम वोल्टेज आ रही है तो जेनर डायोड को तो उसकी वोल्टेज दे देगा लेकिन अपने सिरों पर जो विभव पतन पहले ज्यादा कर रहा था वो कम करेगा। तो जेनर डायोड के इन दोनों सिरों पर जो विभव का मान होता है वो कांस्टेंट होता है और धारा का मान हो जाता है अधिकतम, इसलिए जेनर डायोड के सिरों के बीच जो वोल्टेज होती है वो नियत होती है। तो इस प्रकार से हम जेनर डायोड की हेल्प से किसी परिपथ में जो हमारी वोल्टेज होती है उसको हम नियत कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं, यानी कि जो निर्गत वोल्टेज है यह नियत है, नियत है, कांस्टेंट निर्गत वोल्टेज है, यह फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। जबकि निवेशी जो वोल्टेज है यह हमारी क्या है फ्लक्चुएटेड है, यानी कि यह हमारी है हम कह सकते हैं कि जिसका मान लगातार बदल रहा है, बदलता हुआ निवेशी वोल्टेज कह सकते हैं इसे। तो मुझे लगता है आपको जेनर डायोड समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जेनर डायोड क्या करता है, किसी परिपथ में वोल्टेज को या धारा को नियंत्रित कर लेता है, वोल्टेज नियंत्रित कर पाता है। तो ये जेनर डायोड हो गया हमारा। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, अगला टॉपिक है फोटो डायोड। ये जो फोटो डायोड है इसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कहा जाता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इसको ऑप्टो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि प्रकाश जो आता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आता है, ऊर्जा बंडल के पैकेटों के रूप में आता है और एक पैकेट की जो ऊर्जा होती है वो होती है फोटोन। तो जब कोई प्रकाश किसी ऐसे पीएन संधि पर पड़ता है, किसी ऐसे डायोड पर पड़ता है कि जिसमें कि उस अर्धचालक को फोटो सेंसिटिव बनाया जाता है, प्रकाश के प्रति उसे संवेदनशील बनाया जाता है, तो जब ऐसे पीएन संधि डायोड पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश का इस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है कि वह जहां पर पी और एन दोनों संधियां बन रही हैं ठीक वहां पर वह प्रकाश पहुंच जाए। अब प्रकाश जब उस स्थान पर पहुंचेगा तो प्रकाश क्या करता है कि वह अर्धचालक उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश के अवशोषण का अर्थ है कि उस प्रकाश में जो ऊर्जा और बंडल के जो पैकेट आ रहे हैं जिन्हें हम फोटोन कह रहे हैं, वह फोटोन क्या होते हैं उस संधि तक पहुंच जाते हैं, और जब वह उस संधि तक पहुंच जाते हैं तो संधि के समीप जो हम कह सकते हैं कि ससंयोजक बंध बने हुए होते हैं उन बंधों को वो क्या करते हैं तोड़ देते हैं। वह फोटोन उन क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है तो वो उन आबंधों को तोड़ देंगे, आबंधों को तोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋण क्षेत्र में और जो होल होता है क्वार्टर होता है वो धन क्षेत्र में चले जाता है। तो इससे यह स्थिति होती है कि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकल करके चालन बैंड पर प्रवेश कर जाता है और हम कह सकते हैं पीएन जो अर्धचालक होती है उसकी चालकता बढ़ जाती है, परिपथ में धारा का मान
बह जाता है। तो समझ लेते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। हमने इस प्रकार से इसका एक डायग्राम बना रहे हैं। यहां हमारी संधि है और आप जानते हैं संधि के बीच का वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम अवक्षय परत कहते हैं। इसे हम उत्क्रम अभिनत रख रहे हैं, यानी कि ये हमारा पी क्षेत्र है, पी है, ये हमारा क्या है एन। तो इसे हमने ऋण से जोड़ दिया, इसे हमने धन से जोड़ दिया, साथ में आप चाहें तो एक कुंजी लगा सकते हैं और साथ में यहां पर हम क्या लगा देते हैं, एक माइक्रोमीटर लगा देते हैं, माइक्रोमीटर लगा दिया जो धारा के मान को नापेगा। अब जो प्रकाश आ रहा है वो इस संधि के बीच वाले हिस्से पर पड़ता है, ये प्रकाश आपतित हो रहा है। जब ये प्रकाश इस संधि पर हमने कहा पहुंचेगा तो यह अर्धचालक इस प्रकार से होते हैं कि यह प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अब जब यह प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो प्रकाश में उपस्थित हमने कहा जो ऊर्जा बंडल के पैकेट हैं या ऊर्जा के पैकेट या बंडल हैं, वह जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, वह ऊर्जा अवशोषित करके इस संधि तक पहुंच जाती है, बीच के हिस्से तक जो कि अवक्षय परत है। और यहां पर जो एक ससंयोजक बंध बने हुए हैं उन ससंयोजक बंधों को ये क्या करता है, फोटोन ऊर्जा प्राप्त करके वो ससंयोजक बंध टूट जाते हैं। उनके टूटने से इलेक्ट्रॉन और साथ में कोटर उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन हमने बात करी थी संयोजी बैंड और चालन बैंड के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो संयोजी बैंड से निकल करके जंप लगा लेता है चालन बैंड पर। तो जब वो चालन बैंड पर जंप लगा लेता है तो होता क्या है कि चालन बैंड पर जंप लगाने से इस जो हमारा पीएन संधि डायोड है इसकी चालकता बढ़ जाती है, इसमें धारा का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि एक केवल एक या दो तो फोटोन नहीं आएंगे ना, क्योंकि प्रकाश ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो ज्यादा फोटोन आएंगे। जितने फोटोन टकराएंगे उतने अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उतने अधिक कोटर उत्पन्न होंगे। तो यदि आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी तो इसका अर्थ है इसमें बहने वाली धारा के मान में वृद्धि होगी। और यदि आपतित प्रकाश की यदि आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो जो हम कह सकते हैं, क्योंकि जो फोटोन टकराएंगे इस परत में और हम कह रहे हैं कि वो ससंयोजक बंध को तोड़ेंगे, उन फोटोनों की ऊर्जा एक नियत मान से ज्यादा होनी चाहिए। और फोटोनों की ऊर्जा कैसे बढ़ती है, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है। तो जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा करके एक ऐसे लेवल पर ले आए कि अब हम देख रहे हैं इन फोटोनों के कारण ससंयोजक बंध टूट रहे हैं और इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, साथ में कोटर उत्पन्न हो रहे हैं, आवेश वाहक उत्पन्न हो रहे हैं, तो अब हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति को वहीं पर नियत रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं। देखिए आवृत्ति बढ़ाने से क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, तो वो ज्यादा वेग से आएगा तो वह क्या करेगा, ससंयोजक बंध को तोड़ देगा। लेकिन तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, फोटोनों की संख्या में वृद्धि होगी। ये जैसे हमने वहां पर आपको समझाया था आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कि जब तीव्रता बढ़ाते हैं तो तीव्रता का अर्थ होता है जैसे हम खिड़की को छोटा सा खोल दें, वहां से धूप आ रही है तो कम प्रकाश अंदर आता है, खिड़की को ज्यादा खोल दें तो ज्यादा प्रकाश अंदर आ रहा है। तो तीव्रता बढ़ाने का अर्थ यही है कि ज्यादा प्रकाश पृष्ठ पर पड़े, संधि पर पड़े, तो ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो ज्यादा फोटोन आएंगे, जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और उतने ज्यादा आवेश वाहक बढ़ जाएंगे संधि पे। तो यदि धारा के मान को हम एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करें तो वो इस प्रकार से आता है। यहां पर से हमने कहा ये क्योंकि ये उत्क्रम अभिनत लगी हुई है पीएन संधि, ये माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है, तो ये इस प्रकार से आता है। यदि यह तो हमारी आई तीव्रता के लिए है, यदि दूसरी हम ले लें दूसरी तीव्रता, तो यहां पर तीव्रता का मान बढ़ाएं तो धारा का मान पहले ही बढ़ जाएगा। तीव्रता का मान बढ़ाते चले जाएं धारा का मान बढ़ता चले जाएगा, पहले ही होता चले जाएगा। यदि यह तीव्रता हम ले लें आई है, ये आई वन है, ये आई टू है, ये आई थ्री है, तो हम कहते हैं जो आई थ्री की तीव्रता है उसका मान ज्यादा है आई टू से, आई टू का मान ज्यादा है आई वन से, और आई वन का मान ज्यादा है किससे, आई से। तो जैसे जैसे हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो कहते हैं हम भंजक वोल्टता कह लीजिए, वो भंजक वोल्टता हमें पहले ही प्राप्त हो जाती है, कम वोल्टेज में ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से तीव्रता बढ़ाने पर हम देखते हैं जो फोटो डायोड जो होते हैं उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम जेनर डायोड और फोटो डायोड को समझ सकते हैं।
अभी हमने जेनर डायोड तथा फोटो डायोड की क्रियाविधि को समझा, अब हम समझते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसे हम लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, और इसे काफी फेमस नाम, इसकी शॉर्ट फॉर्म LED से जाना जाता है। LED लाइट इमिटिंग डायोड की शॉर्ट फॉर्म है, और हम देख रहे हैं कि आजकल LED का बहुत अधिक चलन है। तो LED क्या चीज है? LED एक ऐसा यंत्र है जो कि वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, और यहां पर वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायोड के अभिलाक्षणिक गुणों का ही उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि हमने फोटो डायोड में समझा था, फोटो डायोड की क्रियाविधि का बिल्कुल विपरीत क्रियाविधि लाइट इमिटिंग डायोड में होती है। तो फोटो डायोड में क्या होता था कि प्रकाश आता था, और प्रकाश की जो ऊर्जा होती, जो फोटोनों के रूप में होती थी, वो संधि पर आती थी, और संधि पर टकरा करके, हमने कहा, वहां पर एक स्वसंयोजक बंध को तोड़ती थी, जिससे एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता था, एक कोटर उत्सर्जित होता था। इलेक्ट्रॉन चालन बैंड पे चले जाता था, और कोटर, हमने कहा था, संयोजी बैंड पे रह जाता था। और चूंकि यह बहुत सारे आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वहां परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। तो यह होती थी प्रक्रिया फोटोडायोड में, जहां प्रकाश ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लेकिन यहां प्रकाश उत्सर्जक जो हमारे यह डायोड हैं, यह LED क्या करते हैं, विपरीत सिद्धांत है, यह वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो ये किस प्रकार से करेंगे, इसको समझते हैं। इसके लिए जब हम कोई एक डायोड लेते हैं, तो वह डायोड इस प्रकार का बनाया जाता है कि उस डायोड में जो पी तथा एन क्षेत्र हैं, उन पी तथा एन क्षेत्रों में, पी क्षेत्रों में कोटरों की संख्या बहुताय हो, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुताय हो। ऐसा करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया का, कह सकते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। और वो प्रक्रिया क्या है, वो हमारी पहली की तरह है, जिसे हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का अर्थ है कि जब शुद्ध अर्धचालकों पर हम बाहर से कोई अपमिश्रण मिलाते हैं, और अपमिश्रण सामान्यतः हमने वहां कहा था कि सूक्ष्म मात्रा में अपमिश्रण को मिलाया जाता है, लेकिन जब हम LED के लिए डायोड तैयार करते हैं, तो जो हम अपमिश्रण मिलाते हैं, बाहर से अशुद्धि मिलाते हैं नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालकों में, उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है। उसकी मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, हमने कहा यह हमारे पास एक PN संधि है। इस PN संधि पे सामान्य परिस्थिति पे तो इतनी मोटी अवक्षय परत होती है, ये मान लेते हैं पी क्षेत्र है, ये हमारा एन क्षेत्र है। लेकिन यदि हम इसे LED के हिसाब से बनाएं, इस डायोड को, तो हमने कहा इस पर अपमिश्रण की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। अपमिश्रण की मात्रा बढ़ाने से दो बातें होती हैं, एक तो ये अवक्षय परत जो है ये काफी पतली हो जाती है, हमने कहा अवक्षय परत घट जाती है, और दूसरी बात पी क्षेत्र पर जो कोटरों की संख्या है वह बढ़ गई। पी क्षेत्र पर हमने कहा कोटरों की संख्या बढ़ गई, और एन क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, एन क्षेत्र पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने डोपिंग को इसी उद्देश्य से करा है, और ये बीच की हमारी अवक्षय परत है। अब जब इस प्रकार के PN संधि को हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं, यानी कि अग्र अभिनत बनाते हैं, ये हमने एक अग्र अभिनत बना दिया, यहां पर आप कह सकते हो एक अमीटर लगा दिया, जिसे आप माइक्रोमीटर या मिलीमीटर कह सकते हैं, क्योंकि ये अग्र अभिनत है, तो ये हमारी क्या होगी, मिलीमीटर होगी, MA होगी। धारा मापी है, ये हमारी कुंजी है, ये हमारा कह सकते हैं विद्युत वाहक बल का स्रोत है। तो जब इसे अग्र अभिनत किया जाता है, तो पी क्षेत्र में क्या स्थित है, कोटर, और एन क्षेत्र में क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों की संख्या अधिक होती है, इसको अग्रभिनत किया जाता है, तो पी क्षेत्र से कोटर तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं, और एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अवक्षय परत के समीप यह आपस में मिल जाते हैं। और जब ये आपस में मिलते हैं, तो इनके मिलने से हम कह सकते हैं ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और वही ऊर्जा यदि प्रकाश क्षेत्र में पड़ जाए, तो हम कह सकते हैं प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। इसको यदि हम दूसरे प्रकार से समझें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किसमें होते हैं, चालन क्षेत्र में होते हैं, चालन बैंड। और जो चालन बैंड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए चालन बैंड पे। और जो दूसरा हमारा होता है इसे कहते हैं संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड पे कौन से होते हैं, क्वार्टर होते हैं। तो जब चालन बैंड के सबसे निम्नतम स्तर पर स्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी बैंड के सबसे उच्च स्तर पर स्थित इन क्वार्टरों के साथ सहयोग करते हैं, तो इनका जो ये ऊर्जा अंतराल होता है, जो एनर्जी गैप होता है जिसे हम ईजी कहते हैं, जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता था संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का, उतनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा अपने भीतर से उत्सर्जित कर देते हैं। और यह ऊर्जा यदि हम कहें कि प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि ऊर्जा तो हम कह सकते हैं दृश्य क्षेत्र भी हो सकता है प्रकाश का और अदृश्य क्षेत्र भी हो सकता है, तो यदि यह ऊर्जा प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में पड़ती है तो जो एनर्जी निकलती है, जो प्रकाश निकलता है वो विजिबल होता है, वो हमें दिखाई देता है। और प्रकाश की अधिक मात्रा को उत्पन्न करने के लिए यह जो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का इधर आना, क्वार्टरों का इधर जाना और इनका पुनर्संयुक्त होना, आपस में मिल जाना, इसकी घटना की संख्या कहीं ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि खूब सारे इलेक्ट्रॉन यदि क्वार्टरों से बार बार मिलते रहेंगे, एक ही बार मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन एक क्वार्टर, लेकिन यदि खूब सारे इलेक्ट्रॉन क्वार्टरों से मिलेंगे तो खूब सारी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो हमें क्या होगा, प्रकाश विजिबल होगा, दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड काम करते हैं। अब यहीं पर हम दूसरा टॉपिक समझते हैं जिसे हम कहते हैं सोलर सेल, सोलर सेल, सोलर सेल। सोलर सेल हम कहते हैं फोटो डायोड की तरह ही है, लेकिन फोटो डायोड में तो किसी भी प्रकाश का प्रकाश आपतित हो सकता था, बस उसकी हमें आवृत्ति देखनी थी। लेकिन सोलर सेल का उपयोग किया जाता है केवल सूर्य के प्रकाश के उपयोग करने के लिए, और इसके लिए हम एक विशेष प्रकार की पीएन संधि का उपयोग करते हैं। और वो पीएन संधि किस प्रकार से होती है हम ये समझते हैं। ये हमारी ये पीएन संधि एक मटेरियल होता है, इसमें पी को काफी पतला रखा जाता है। यह हमारा क्षेत्र क्या है, यह हमारा पी क्षेत्र है, और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है यह हमारा एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र के ऊपर की ओर एक ग्लास की यानी कि शीशे की एक पारदर्शी पट्टी लगी हुई होती है, तो लिख लेते हैं इसे शीशे की पारदर्शी पट्टी। और इसके नीचे जो हमारा ये हम कह रहे हैं ये पी क्षेत्र है, इस पी क्षेत्र पर ये धातु के संपर्क लगे हुए होते हैं, इसे कहते हैं धातु संपर्क। यह पी क्षेत्र में भी ऊपर लगे हुए होते हैं, और हम कह सकते हैं ये एन क्षेत्र पे भी नीचे की ओर लगे हुए होते हैं। ये क्या है, धातु संपर्क लगे हुए होते हैं। अब जब कोई प्रकाश आपतित होता है, जब सौर ऊर्जा का प्रकाश यहां से इस प्रकार से आता है अंदर की ओर आपतित होता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो उसमें भी क्या होगा, फोटॉन्स जरूर होंगे, और फोटोनों के अंदर तो ऊर्जा होती होती है, तो ये जब प्रकाश आता है तो ये शीशे की जो पारदर्शी पट्टी होती है इसे अंदर प्रवेश करा देती है। और चूंकि पी काफी पतला होता है तो पी और एन की जो ये संधि होती है, ये वाली जो संधि है जहां पर एक अवक्षय परत बन रही है, क्योंकि पी क्षेत्र भी पतला है इसलिए यह प्रकाश कहां पहुंच जाता है, इस संधि तक पहुंच जाता है। हमने कहा इस प्रकार संधि तक पहुंच गया। हम इस पीएन संधि का निर्माण ही इस प्रकार से करते हैं कि एन क्षेत्र मोटा और पी क्षेत्र एकदम पतला सा होता है, उसकी एक पतली सी परत होती है, जिससे जब प्रकाश अंदर आए तो वो पी क्षेत्र को भी हम कह सकते हैं पार करके जल्दी से कहां पहुंच जाए, संधि पर पहुंच जाए। जब यह प्रकाश संधि पर पहुंचता है तो यह प्रकाश के अंदर क्या होते हैं, फोटोन, और फोटोनों पे क्या होती है, ऊर्जा। जब फोटोनों पे ऊर्जा होती है तो यह फोटोन इस अवक्षय परत में स्थित जो बंद बने हुए होते हैं, जो ससंयोजक बंद होते हैं, जब वह ससंयोजक बंद इन फोटोनों को ग्रहण करते हैं तो अपने भीतर से क्या उत्सर्जित करेंगे, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दोनों उत्सर्जित करते हैं। यानी कि ससंयोजक बंद के टूटने से इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर के जोड़ी की उत्पत्ति होती है। तो क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर तो चले जाता है
पी क्षेत्र में, तो यहां पर कौन चले गया, क्वार्टर चले गए। और इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, एन क्षेत्र में चले जाते हैं, यहां पर क्या चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए। हम जानते हैं कि हमने यहां पर सब जगह नीले से इससे इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं क्वार्टर को, और रेड से हम प्रदर्शित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो यहां पर हो चाहे हम यहां पर की बात करें। तो इलेक्ट्रॉन पी सिरे पर, क्वार्टर पी सिरे पर चले गए, और एन सिरे पर कौन चले गया, ये इलेक्ट्रॉन चले गए। ये हमारे क्या है, क्वार्टर, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। और जब ये प्रक्रिया काफी देर तक चलती है तो पी क्षेत्र पर क्वार्टरों के इकट्ठे होने से, एन क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉनों के इकट्ठे होने से, जो एन क्षेत्र होता है यह वाला सिरा हमारा क्या बन जाता है, ऋण वाला इलेक्ट्रोड बन जाता है, और यह वाला जो हमारा धातु संपर्क होता है यानी कि पी वाला क्षेत्र वाला, यह क्या बन जाता है, धन बन जाता है। अब यदि इनके साथ में यदि हम यहां पर कोई एक रेजिस्टेंस लगा दें इस प्रकार से कोई एक रेजिस्टेंस लोड लगा दें, तो यहां से हमें क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। यानी कि यदि हम परिपथ पूरा कर दें तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। तो क्या हुआ इसमें पीएन संधि में, कि पीएन संधि में हमने कहा था पी सिरा होता है बहुत पतला, जबकि एन सिरा की थिकनेस होती है ज्यादा। इसके ऊपर एक कांच की शीशे की पारदर्शी पट्टी लगी होती है। जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो शीशे की पारदर्शी पट्टी को पार करके वो पी पर पहुंच जाता है, क्योंकि पी क्षेत्र पतला है इसलिए यह पी को भी पार करके कहां पहुंच गया, संधि पर पहुंच गया, जहां पर ये पी वाला सिरा है, ये एन वाला सिरा है। तो संधि पर हमने का जो सहसंयोजक बंध होते हैं, जब वो फोटोन प्राप्त करते हैं तो वो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, उनके टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक क्वार्टर का उत्पत्ति होती है। क्योंकि बहुत सारे सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो बहुत सारे क्वार्टर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति होती है, जिसमें क्वार्टर निकल करके पी क्षेत्र में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल करके एन क्षेत्र की तरफ गतिशील हो जाते हैं, जिससे पी क्षेत्र क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और एन जो हमारा क्षेत्र होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इसमें जो नीचे हमने धातु संपर्क लगाए हैं, इन धातु संपर्कों से यदि हम किसी रेजिस्टेंस को जोड़ दें तो इस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये सिरा धन हो गया, इस सिरा ऋण हो गया, तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक सेल की भांति काम करने लग गया, जिसने विभवांतर उत्पन्न कर दिया है दो बिंदुओं के बीच में। और यदि विभवांतर उत्पन्न हो गया तो हम जानते हैं परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। और चूंकि एक सेल ही क्या करता है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और यहां पर सोलर के कारण, सौर ऊर्जा के कारण ये पीएन संधि डायोड एक सेल की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए इस प्रकार के सेल को हम नाम देते हैं सोलर सेल। तो बहुत से हम कह सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम कह सकते हैं स्पेस में भी इन सोलर सेलों का इस्तेमाल किया जाता है। और आप तो देखते ही हैं कि आजकल का जो जमाना चल रहा है, क्योंकि आजकल के समय पर सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो एनर्जी की है, क्योंकि हमारे ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, चाहे वो पेट्रोल की ऊर्जा हो, चाहे कोल ऊर्जा हो, चाहे अन्य ऊर्जा हो, वो स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं तेजी से। तो हम नए स्रोतों का हम कह सकते हैं खोज कर रहे हैं, और ऐसे स्रोतों की खोज कर रहे हैं जो कि हमारे क्या क्षय ना हो, जो समाप्त ना हो, जिनको हम अनंत काल तक इस्तेमाल कर पाए। और उसी में हम कह सकते हैं इन सोलर सेलों का काफी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने डायोड, पीएन संधि डायोड के विभिन्न प्रकार के उपयोगों को समझा। मुझे उम्मीद है आज हमने जितनी भी चीजें समझी, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो सोलर सेल हो, चाहे इसके पहले के फोटो डायोड हो और जेनर डायोड हो, इन सब को जो हमने समझाया, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट होते तो आप निसंकोच होकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिनका मैं समय रहते उत्तर दे पाऊं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।